एडवर्टाइजिंग एजेंसी एजेंसी का मतलब होता है कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करती है क्लियर तो यहाँ पे है एडवर्टाइजिंग एजेंसी यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहेंगे जैसे कि एफ सी उल्का एडवर्टाइजिंग लिमिटेड है तो आपको नहीं पता होगा वर्ल्डपूल जी सिनेमा सनफिस्ट अमूल और भी बहुत सारे ब्रांड है इन सब के एडवर्टीज़मेंट जो है वो एफ सी उल्का एडवर्टाइजिंग लिमिटेड जो है वो संभालती है यानी कि उनका काम होता है कि वो क्रिएटिव कंटेंट को तैयार करेंगे उसको प्रमोशन करेंगे मीडिया सेलेक्शन करेंगे कौन कौन से चैनल पे यूट्यूब पे आएगा फेसबुक पे आएगा या ट्विटर पे आएगा या फिर कहीं और पे आएगा एडवर्टीजमेंट कैसे एडवर्टीजमेंट करना है पेज क्रिएट करके करना है या फिर आ, बीच में ऐड डालना है या किस तरीके का आ, चैनल चूज करना है न्यूज में मैगजीन में टी में वो सारी चीजें एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिसाइड करती हैं तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन की बात करें या तो नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज आपको समझ में आ गया हो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी यानी कि कोई कंपनी जो एडवर्टाइजिंग का, का काम करती है अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीजिंग करना चाहते हो तो या तो खुद कर सकते हो या फिर आप इन एजेंसीज के पास चले जाओ ये आपको जो है पूरा कंटेंट तैयार करके एडवर्टीज बनाकर आपको मीडिया सेलेक्ट करके दे देंगी बस आपको पैसा पैसा देना रहेगा तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को डिफाइन किया उन्होंने कहा कि एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज वन विच इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इज कंपोज्ड ऑफ क्रिएटिव एंड बिजनेस पीपल यानी कि ये बिजनेस पीपल यहां पे क्रिएटिव पीपल होते हैं बट ऑबी बात है आप आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे सब में कुछ ना कुछ नया देखते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट देखते हैं ठीक तो क्रिएटिव पीपल होते हैं हु डेवलप प्रिपेयर एंड प्लेस एडवर्टाइजमेंट्स इन मीडिया तो ये क्या करते हैं ये लोग एडवर्टीजमेंट बनाते हैं डेवलप करते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं प्लेस करते हैं यानी कि दिखाते हैं न्यूज़पेपर में मैगजीन में टी वी पे यूट्यूब पे फेसबुक पे तो ये एडवर्टीजमेंट्स को शो करते हैं विच इज़ फॉर सेलर सीकिंग टू फाइंड कस्टमर फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज और ये सब क्यों करते हैं बटॉबे से बात है कि ये सेलर जो मैनुफैक्चर होता है वो अपने प्रोडक्ट को मैच करवाता है गुड्स एंड को मैच करवाता है किससे कस्टमर से ताकि कस्टमर उसके प्रोडक्ट के बारे में जाने और उसको परचेज करें तो मैनुफैक्चर की नीड को पूरा करने के लिए ये एडवर्टीजमेंट का काम देखते हैं कौन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज फिलिप कोटलर ने फिलिप कोटलर जी ने डिवाइन किया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज ए मार्केटिंग सर्विसेज ये क्या है मार्केटिंग सर्विसेज है फ्रॉम दैट असिट्स इट्स क्लाइंट इन प्लानिंग प्रिपेयरिंग इंप्लीमेंटिंग एंड इवाल्यूएटिंग वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन यानी कि जब कोई कंपनी एडवर्टाइजिंग करना चाहती है तो उसकी कैंपेन को प्लान करना प्रिपेयर करना इंप्लीमेंट करना एवोल्यूएट करने में ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो हेल्प करती हैं असिस्ट करती हैं ये एक तरीके का मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो एफ सी हमने आपको एग्जांपल दिया एफ सी बी उल्का एडवर्टीजमेंट लिमिटेड तो वर्लपुल जी सिनेमाबा सन अमोल और भी बहुत सारी अलग अलग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो कंपनीज़ हैं जो इन सब से जो है अपना एडवर्टीजमेंट बनवाती हैं इनसे अपना एडवर्टीजमेंट मैनेज करवाती हैं यानी कि इनका काम होता है प्रोडक्ट बनाना बाकी एडवर्टीजमेंट का काम इन सबको देख दिया जाता है इनको पैसा दिया जाता है रेम्योशन दिया जाता है और ये पूरा एडवर्टीजमेंट संभालती हैं कि कौन से चैनल पे जो है एडवर्टीजमेंट आएगा कब आएगा कितने बजे आएगा ये सारी चीज़ें प्लान करना इनका काम होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का अब बात करें रोल एंड फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज तो डिफिनीशन से आप समझ ही गए होंगे कि इनका काम क्या है बट ऑब जो है एडवर्टाइजिंग प्लानिंग पहले तो ये प्लान करते हैं एडवर्टाइजिंग को कि कंपनी के बारे में जानते हैं अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि कंपनी क्या है किस टाइप का प्रोडक्ट बना रही है ये पूरा इकोनॉमिक जो है स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है ट्रेड कंडीशन क्या हैं कंपिटीटर्स कंपिटीशन इन सबको चीज़ों को देख उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट को प्लान करेंगे फिर एक क्रिएटिव फंक्शन यानी कि मैसेज क्रिएट करते हैं कि एडवर्टीजमेंट में किस तरीके से एडवर्टीजमेंट का कंटेंट होगा क्या डायलॉग्स होंगे क्या सीन होंगे ये सारी चीजें फिर डेवलप करते हो प्रिपेयर करते हैं एडवर्टीजमेंट कॉपी को ये डेवलप करेंगे प्रिपेयर करेंगे उसके बाद अप्रूवल लेंगे अप्रूवल किससे कंपनी से बट ऑफिस आप किसी कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट बना रहे हो तो पहले आपको उसको दिखाना होगा कि हम ये चीज बनाने जा रहे हैं ये चीज दिखाने जा रहे हैं तो क्या ये आपको ओके है तो उनको आपको अप्रूवल लेना होता है फिर मीडिया सिलेक्शन यानी कि किस मीडिया में न्यूज़पेपर में मैगजीन में टीवी पर बिल बोर्ड पर कहां पर पे आप दिखाओगे ये सारा चीज़ करना होता है। फिर आपको देखनी होती है एड एग्जीक्यूशन फिर उसके बाद मीडिया आपको ये भी देखना होता है कि क्या उस टाइम पर एड आया या नहीं आया कितने ड्यूरेशन के लिए आया और फिर लास्ट में होता है इवाल्युएशन फंक्शन इवालुएट भी करते हैं कि कितना इफेक्टिव रहा एडवर्टीजमेंट उस टाइम पे उस डेट पे दिखाना तो इवोल्यूशन का भी फंक्शन होता है क्या कुछ मार्केट का ग्रोथ हुआ क्या मार्केट सेयर बढ़ाया फिर प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ी ये सारी चीज़ें इवेल्यूट भी करते हैं तो ये रोल और फंक्शन होते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के कि प्लान करना क्रिएटिव फंक्शन परफॉर्म करना डेवलप करना प्रिपेयर करना एड कॉपी को अप्रूवल लेना मीडिया सेलेक्ट करना मीडिया में शेड्यूल करना एड एग्जीक्यूशन करना और उसको फिर इवोल्यूएट भी करना अब हम बात कर लें कि टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी यानी कि कितने टाइप हो सकते हैं वैसे तो नॉर्मली दो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फुल सर्विस एजेंसी और स्पेशल सर्विस एजेंसी ये दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी होते हैं तो सबसे पहले फुल सर्विस एजेंसी देखिए फुल सर्विस एजेंसी का मतलब वो एजेंसीज वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कंप्लीट फुल पैकेज जो है प्रोवाइड करते हैं यानी कि आपको एडवर्टाइजिंग का ए से लेकर जेड तक का सर्विस जो है आपको यहाँ पे मिलेगा आपको सिर्फ पैसे देने बाकी सभी काम ये करेंगे ऑफर फुल रेंज ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन सर्विसेज तो उनको कहते हैं फुल सर्विस एजेंसी वहीं पर होता है इन हाउस एजेंसी इन हाउस एजेंसी यानी कि अपने ही यहाँ पे यानी कि मैं मेरी कंपनी है मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ और मेरा ही एक अलग से डिपार्टमेंट है एडवर्टा जिंग का काम वो डिपार्टमेंट मैनेज करता है तो वो हमारे कंपनी के अंदर ही होते हैं यानी कि हम किसी दूसरे से मदद नहीं लेंगे हम अपने अंदर ही एक डिपार्टमेंट ओपन कर लेंगे ठीक देन आता है स्पेशल सर्विस एजेंसी नाम से क्लियर है कि कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आपको कुछ क्रिएटिव आइडिया चाहिए तो आप इनके पास जाके ले सकते हैं कोई मीडिया सिलेक्शन के लिए चाहिए तो आप इनके पास जा सकते हैं तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड प्रोवाइड करती हैं तो स्पेशल सर्विस एजेंसी होगी वहीं पर कुछ आपने नाम सुनोगे स्वीट शॉप्स तो स्वीट सॉप्स मिठाई की दुकान नहीं एडवर्टाइजिंग में हम बात कर रहे हैं तो स्वीट शॉप का मतलब कि स्मॉल एजेंसीज होती हैं जो कि किसी लोकल एरिया में काम करती हैं यानी कि वहाँ के लोकल चैनल पर अगर आपको दिखाना है तो वहाँ पर आपको इनसे बात कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पैम्फलेट न्यूज़पेपर के अंदर पैम्फलेट बटवाना है तो इनके यहाँ बैनर्स लगवाने हैं तो इनके पास आप जा सकते हैं तो उनको हम स्वीट शॉप कहते हैं इसी तरीके से आजकल नया ट्रेंड है दैट इज सर्च इंजन एजेंसी आपको पता है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन है तो आजकल आप भी मैक्सिमम टाइम जो है ऑनलाइन ही व्यतीत करते हैं ओटीटी टी प्लेटफॉर्म हो गया या फिर आप जो है गूगल पे जाते हैं या फिर यूट्यूब पे जाते हैं तो ये सर्च इंजन एजेंसी जो है इसमें हेल्प करती है पी और ऐसी सर्च इंड ऑप्टोमाइजेशन और पी पी सी करके हो गया पेपर क्लिक ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप जो है अपना चीज़ को मैनेज कर सकते हैं फिर आता है क्रिएटिव बुटिक्स क्रिएटिव बुटिक्स में क्या है कि ये एक तरीके का क्रिएटिविटीज़ से रिलेटेड काम करते हैं यानी कि आइडिया फैक्ट्री होते हैं यहाँ पे आपको अगर आपको कुछ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए कुछ आइडिया चाहिए तो आप इनके पास जा सकते हैं ये आपको आइडियाज़ क्रिएटिव आइडियाज़ देंगे क्रिएटिव कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का काम होता है आर्टिस्टिक सर्विसेज ये जो है प्रोवाइड करती हैं तो ये क्रिएटिविटीज़ है तो ये टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी नॉर्मली फुल सर्विस एजेंसी और स्पेशल सर्विस एजेंसी उसके बाद इन हाउस एजेंसी हो गया या फिर स्वीट शॉप हो गए सर्च इंजन एजेंसी होगी आजकल और क्रिएटिव ब्यूटिक्स भी होते हैं अब बात करें हम सिलेक्शन ऑफ़ एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो अलग अलग टाइप के एजेंसीज हैं अब बहुत सारे एजेंसीज़ होते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी होते हैं तो किसको हम सेलेक्ट करें तो कुछ आप नॉर्मली जो है चार पांच स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपना गोल डिफाइन करना है कि आपको आपका एडवर्टाइजिंग का गोल क्या है उस गोल को अगर आप सेट कर लिए कि हमें जो है कि किस पर्पज के लिए और किस टाइप के कस्टमर्स के लिए जो है हमारा प्रोडक्ट है और क्या गोल होगा तो उसके बाद जो है आपको आइडेंटिफाई करना है बेस्ट पोटेंशियल एजेंसी फॉर योर बिजनेस आपको जो बेस्ट पोटेंशियल एजेंसी होगा एडवर्टाइजमेंट का उसको आइडेंटिफाई करें यानी सर्च करिए कि कौन कौन से एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं और उनसे कॉन्टैक्ट करिए और उनसे फिर रेफरेंस मांगिए रेफरेंस रिक्वेस्ट यानी कि उन्होंने किसके किसके लिए एडवर्टाइजिंग की है उनका क्या आ, मतलब कि उनका क्या मार्केट शेयर हुआ ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ उनका कोई प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ उससे रेफरेंसेज रिक्वेस्ट करते हैं उसके बाद उनसे कहिए जो तो बेस्ट आते हैं उनसे कहिए कि आप ओरल रिटर्न प्रेजेंटेशन दीजिए यानी कि आप अपना प्रोडक्ट बताएंगे वो फिर आपको जो है एक डेमो देंगे कि इस तरीके का एडवर्टीज दिखाएंगे इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट दिखाए तो अलग अलग जितने भी आपने शॉर्टलिस्ट किए होंगे वो लोग आपको अपना प्रेजेंटेशन देंगे उसके बाद फिर आपको क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है उनके साथ एडवर्टाइजिंग के लिए और ये पूरा जो है प्रोसेस रहता है सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी बट और ज्यादा गोल आपको पता है हमारा गोल ये है एडवर्टाइजिंग का उसके रिलेटेड एजेंसीज ढूंढिए एजेंसीज को एवालुएट करिए और उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए और कॉन्टैक्ट कर लीजिए नेक्स्ट है रेमोनरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी यानी कि आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पेमेंट भी तो करना होगा तो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे आप जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को रेमोरेट यानी कि उनको पेमेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट भी होता है नॉर्मली सब जगह यूज़ होता है दैट इज़ कमीशन बेस्ड कमीशन नॉर्मली यूजली फिफ्टीन या सिक्सटीन तक रहता है तो आप जो है कमीशन बेस्ड देता है आप उनको फिफ्टीन परसेंट कमीशन दे दीजिए दैट्स इट आपको उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा या फिर आप उनका पेमेंट जो है फी एग्रीमेंट कर सकते हैं यानी कि हम आपको एक फिक्स्ड फी देंगे कि आपको पूरा एक महीने का एडवर्टीजमेंट कैंपेन देखना है हम आपको एक लाख रुपये देंगे फिक्स के लिए या फिर फी प्लस कमीशन यानी कि आपको एक लाख फीस भी देंगे प्लस कमीशन भी देंगे जितना प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से आपको कमीशन भी मिल जाएगा इस तरीके का भी एग्रीमेंट हो सकता है वहीं पर तीसरा मेथड हो सकता है कॉस्ट प्लस एग्रीमेंट यानी कि उस एडवर्टीजमेंट को करने में जो कॉस्ट आई प्लस जो है कुछ प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया जा सकता है तो कॉस्ट प्लस एग्रीमेंट भी किया जा सकता है इसी तरह से इंसेंटिव बेस्ड कंपनसेशन इंसेंटिव बेस्ड कंपनसेशन मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे यानी कि आपने एडवर्टीजमेंट बनाई आपने उसको पूरा प्लान किया एडवर्टीजमेंट मीडिया में शो हुआ उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ा हमारा ग्रोथ हुआ सेल्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी कस्टमर अवेयरनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी तो उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आपको जो है पेमेंट मिलेगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पेमेंट दिया जा सकता है तो ये अलग अलग चार मेथड हैं जिसके थ्रू जो है आप कंपनसेशन यानी रेमोरेशन दे सकते हैं तो इस के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं नॉर्मल मेजर आप इन चार तरीकों से कंपनसेट रेमोरेट कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी को तो होप आपको डाउट क्लियर होगा यू ऑल द बेस्ट की पॉचिंग